बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी एक रिलेटिव को की कब्र को विज़िट कर रहा हूँ। आज संडे है, डेट इज़ आई कांट रीड द डेट, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वेयर वी ऑल विल कम, एंड यही है। सो इट्स अ गुड थिंग टू कम the graveyard once in a while, just to have perspective of where it all ends and a new forever beginning starts, and for a more up close and personal kind of context, this is a fresh grave that I found just right next to my relative. This has been dug freshly, and I think the resident will be coming soon. So just look at the dimensions, look at where all of us will one day come. Aur umeed yahi hai, dua bhi yahi hai ke Allah subhanahu wa taala ke paas ke jab wo do farishte aaye to hum wo initial test mein bhi surkhru ho jaye inshaallah, aur jo final test hai jo uske baad shuru hote hain unme bhi Allah taala hame bakhsh de aur hamare गुनाह बख्श दे और हमारे अमाल कबूल करे और हमें माफ़ कर दे, हमसे पहले आने वालों को भी और हमारे बाद आने वालों को भी। यू नो आई एम वॉकिंग बैक नाउ, एज आई वॉक बैक ख्याल ही आता है कि सारे जो यहाँ पे दफन हैं इन सब के भी लाइव्स होंगी, ड्रीम्स होंगी, वो चीज़ें होंगी जो ये कर पाए और वो चीज़ें जो ये नहीं कर पाए वो सारे इनके साथ ही ख़त्म हो गए। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम लोग ज़िंदगी में भूल जाते हैं। हज़रत अली का बड़ा ज़बरदस्त कॉल है कि आप जब ज़िंदा होते हैं तो आप सो रहे होते हैं, और आप जब मरते हैं तो आप जाग जाते हैं। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत तलकीन से कहा है कि मौत को फ्रीक्वेंटली याद रखें, इसलिए नहीं कि हम डिप्रेस हो जाएँ, ऑफकोर्स नॉट। ज़िंदगी जीने की लिए इस्लाम पूरा एक डिटेल्ड रोड मैप देता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम मॉर्बिड हो जाएं और हम बस हर वक्त इस चीज़ को तारी करें कि जी हमने तो जाना है। तारी करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहरहाल ये एक रियलिटी है कि हमने जाना है। और उसके बाद क्या होना है, वो जो उसके बाद होना है वो डिटर्मिन करेगा, डिटर्मिन होगा उससे जो आज हम करेंगे ज़िंदगी में जो करेंगे। तो ये इससे बेहतर जगह इस चीज़ को फील करने की मेरा ख़्याल नहीं है। ये सब देखें, ये सब लोग थे हमारी तरह, आज नहीं है, कल आज हैं, लेकिन आज हमारी तरह मेरी तरह चल नहीं रहे। तो एक दिन हम भी जाएंगे, कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद हो, और वो मकसद जो है वो ऐसा हो जो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाइड हो, ऑथेंटिकेटेड हो। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, एक शख्स इसने अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी एक ख़ास उसके लिए, एक ख़ास मकसद के लिए। कि अब हम अप्रोच कर रहे हैं एक बहुत अजीम आदमी की कब्र को। ये उसके आउटस्कर्ट्स हैं, और ये आप उनका नाम पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये नाम का नहीं पता तो आप इसको फौरी तौर पर लुकअप करें। यह है गाज़ी इल्म दीन शहीद साहब, जिन्होंने नामोस रसालत के लिए अपनी जान का नजराना कुर्बान किया। मे अल्लाह एक्सेप्ट फ्रॉम हिम, एंड मे अल्लाह सुबहान व तआला अलाउ अस टू लिव इन अ वे दैट प्लीजेस हिम। आमीन।